ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में लाइन चार्ट्स का निर्माण कैसे किया जाता है। हाँ तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि लाइन चार्ट का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक डेटाबेस यहाँ पे बना लिया है, जिसमें हमने लिखा है गत 5 वर्षों का प्रसिद्धि परीक्षा परिणाम। किसी स्कूल का ये रिकॉर्ड है, जिसमें 5 वर्ष 2016 से लेकर 2021 तक इसमें हाई स्कूल का रिजल्ट दे रखा है वार्षिक, और इंटर का रिजल्ट दे रखा है बोर्ड परीक्षाओं का। अब हमें सबसे पहले इंसर्ट में मैंने बताया था कि ये हमारा चार्ट सेक्शन है, जिसमें हम तरह तरह के चार्ट्स दे रखे हैं, जिनका हम यहाँ पे निर्माण करना सीखेंगे, जो मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको कुछ चार्ट बनाना सिखाया था। तो ये लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट बहुत सारे हैं, इसको आज हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे कि ये कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, ईयर को तो हमें सेलेक्ट करना ही है, साथ में हाई स्कूल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप चार्ट में जाएंगे, लाइन चार्ट में, और पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपने देखा ये हाई स्कूल का यहाँ पे चार्ट बनकर आ गया, जिसमें आप देख रहे हैं 2016 में 42% रिजल्ट था, और हाईएस्ट इसमें हुआ 90 2018-19 में, और उसके बाद 2020-21 में आप देख रहे हैं यहाँ पर 70 आ गया ये वाला रिजल्ट। इसी प्रकार अगर आप चाहो हाई स्कूल के बाद हम इंटर का भी बना सकते हैं अलग से, तो इसमें पहले ईयर को सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल दबा के हम इंटर को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे कंट्रोल दबा के हमने हाई स्कूल छोड़ दिया, हमने ईयर और इंटर लिया, फिर हम इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पे और ये चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए आप, ये इंटर का बन गया है। तो इंटर का रिजल्ट पहले 30 था, फिर 62, फिर 50 कम हुआ, फिर 95 हुआ, फिर 85 हुआ। तो इस प्रकार हमने दो एक साथ अलग अलग हाई स्कूल का और इंटर का रिजल्ट हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम चाहते हैं कि हम इन दोनों का एक ही लाइन चार्ट बनाएं, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम यहाँ पे फिर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे फिर लाइन चार्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये चार्ट एकदम कितना सही आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसकी ये फील्ड जो दिख रखा है 0 से लेकर 100, क्योंकि रिजल्ट हमारा 0 से 100 के बीच होता है, तो ये अपने आप डिफाइन हो गया। यहाँ पे ईयर आ गए हैं, और ये जो लेजेंड है यहाँ पे देखो, हाई स्कूल और इंटर दोनों दे रखा, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से होम में जाके हम इसको फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं देखिए, और इसको डार्क कर सकते हैं, इसको फॉन्ट का कलर भी हम अपने अनुसार रेड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हाई स्कूल ब्लू कलर से और ऑरेंज इंटर कलर से आ रहा है, और यहाँ पे चार्ट का जो टाइटल है यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट फाइव इयर्स रिजल्ट, बोर्ड रिजल्ट, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको भी हम कलर अपने अनुसार इसको बड़ा छोटा यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, जो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया कि यहाँ से काफ़ी चीज़ें हम एक्स एक्सिस यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज और मार्क्स लिख सकते हैं, यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ईयर यहाँ पे ईयर लिख देते हैं, ईयर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स। परसेंटेज लिख देते हैं, तो हमने बना लिया। और इसके बाद फिर यहाँ पर और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे डेटा लेबल है, डेटा लेबल हमारे लिए सही है कि यहाँ पे डेटा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको भी हम यहाँ पे पॉइंट वाइज दिखा सकते हैं। अगर हमें ये चार्ट यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखाना हो तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पे भी आपका डेटा शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में कस्टमाइज करके आप इसको किसी भी कलर, ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, ऐसे ही आप और भी ऑप्शन यहाँ से
चुन सकते हैं। इसके बाद फिल्टर भी आप कर सकते हैं कि आपको कोई पॉइंट नहीं चाहिए उसको हटा सकते हैं, दूसरा पॉइंट हटा सकते हैं, तो फिल्टर भी यहाँ से किया जा सकता है। और यहाँ पर जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऊपर भी ऑप्शन चलते रहते हैं, यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर, अगर वो कलर पसंद नहीं आया तो आप ये भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं कलर। तो बहुत सारे कलर ऑप्शन है, तो पहला कलर हमने ले रखा है ब्लू, और ये इसका बैकग्राउंड भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो होम में जाके हम यहाँ पे बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का, इसके पीछे कर सकते हैं, या ये डार्क या ब्लू, ऐसा बैकग्राउंड लेना चाहिए जिसमें हमारी ये जो रेखाएं हैं ये साफ दिखाई दे, नहीं तो ये लाइन हमें दिखाई नहीं देंगी। तो वाइट बैकग्राउंड भी ठीक है, या लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट हो तो ये वाला हम ले सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने लाइन चार्ट का निर्माण करा, एक सेकंड के अंदर हमने इतने बड़े डेटा का आसानी से यहाँ पे चार्ट बना लिया। अब हम इसी चार्ट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप इसी को डेटा के यहाँ पर यूज़ करके आप इसको 3D या 2D में, जैसे हमने अभी 3D एक ये सिंगल चार्ट था, हम इसको यहाँ पे इस प्रकार पॉइंट्स वाले में भी बना सकते हैं। जैसे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, इसमें पॉइंट्स नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे पॉइंट्स भी डिफाइन कर दिए हैं, और यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे डेटा लेबल करें तो पॉइंट्स के ऊपर डेटा भी आ रहा है। इसी प्रकार हम इसमें दोबारा सेलेक्ट करके 3D भी बना सकते हैं चार्ट, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे फिर हम लाइन चार्ट में जाकर ये 3D भी ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये 3D है, और ये किस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, ये 3D इस प्रकार भी लाइंस दिखाई दे सकती हैं। इसी को हम अगर हमें चेंज करना हो तो हम इसको चेंज भी बार बार कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह भी हम इस लाइंस को बना सकते हैं, 3D एरिया इस प्रकार भी हम इसको शो कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कि किस प्रकार ये दिखाई दे रहा है, इसको हम एक प्रकार से यहाँ मूव करके ड्रैग करके यहाँ ले जाके और दोबारा से इसको देखते हैं तो इस प्रकार ये दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि आज के वीडियो में आपने कितने बेहतरीन ढंग से लाइन चार्ट का निर्माण किया, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे आपको बेहतरीन चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं एक्सेल में उसके बारे में बताएंगे। टिल देन बाय, धन्यवाद।